नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। देखो, केमिस्ट्री की ऑलरेडी 5 रैपिड फायर की वीडियोस अपलोडेड है। इससे पहले आप देखोगे तो बायोलॉजी की 10 एंड फिजिक्स के 10 वीडियो अपलोडेड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन से आप ज़रूर मेरा कहना मानो। आप देखोगे इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप रेलवे की एग्ज़ाम दोगे तो आप देखना, बहुत आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव नेचर प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं, तो ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको देख लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। पहला देखो, ग्लाइटिन जो है वो मोस्ट यूजली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम में जो है इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्टैब्लिश करता है कोलाइड को एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल नहीं हो जाएगा, जो बर्फ़ जैसा बन जाता है वैसा नहीं होगा, आइसक्रीम जो है वो मुलायम जैसा ही रहेगा। टू एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, दो एलिमेंट जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एन इनर्ट गेट मिक्स विद ऑक्सीजन गिवेन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग, क्या है? हीलियम है। इनर्ट गैस मिक्स करके विद ऑक्सीजन गिवन टू पेशेंट जो सफरिंग करते हैं रिस्ट्रिक्ट, जिसको अच्छे से वो ब्रेथ नहीं कर पाते, वो हीलियम है। फंगस विच इज़ यूज इन द एल्कोहल इंडस्ट्री, कौन सा फंगस यूज होता है एल्कोहल इंडस्ट्री में? यीस्ट यूज होता है। गोल्ड डिजॉल्व होता है एक्वा रिग्निया में। विच हैलाइड इज़ यूज इन मेकिंग सेंसिटिव इमोल्शन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म में, कौन सा जो है हैलाइड यूज़ होता है? दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन यूज़ होता है। लाइम जूस इज ड्रॉप्ड ऑन बेकिंग सोडा में अगर गिरा दो, ब्रिक्स इफेक्टिवनेस टेक प्लेस बिकॉज द गैस इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा उसमें? बेकिंग सोडा में अगर लाइम जूस मिलाओ तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है वहाँ से। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड द इलेक्ट्रोटाइप जो यूज़ होता है दैट इज़ गोल्ड सल्फेट। एसिड प्रेजेंट इन रेड एंड, देखो फॉर्मिक एसिड, बहुत ही अगर आप देखोगे दिस आर वेरी वेरी रिपेटिव नेचर क्वेश्चन जो है। एसिड रेड एंड में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड रहता है। बॉक्साइड से कौन सा मेटल निकलता है? एल्यूमिनियम लेयर निकलता है। पी एच वैल्यू जिसका 6.7 से 7.5 है मेक्स द सॉइल बेसिक बना देगा, एसिडिक नहीं होगा, ये बेसिक रहेगा। द वेयर ऑफ फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब का जो वेयर होता है वो मैग्नीशियम होता है। कलर्ड डिस्चार्ज ट्यूब फॉर एडवर्टाइजमेंट मेनली कंटेन नियॉन, ठीक है। मसल फैटिक इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक, मसल फैटिक क्यों होता है? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है। व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर हीट इज लिबरेटेड, अगर क्विक लाइम को आप पानी में मिलाओगे तो उससे हीट निकलेगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 226 एंड एटॉमिक नंबर 886 इज 138। नेचुरल रिसोर्स नोन एज ब्लैक गोल्ड, किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? कोयले को ब्लैक गोल्ड आया है, ये कितने बार क्वेश्चन जो आया है यू कांट इमेजिन। द ग्रुप ऑफ एल्युमिनो सिलिकेट मिनरल्स इज वाइडली यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, क्या है ये? माइका है। ड्राई आइस क्या रहता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सीमेंट कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम अगर क्रैक हो जाएगा ड्यूरिंग सेटिंग, सॉरी सीमेंट अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम मिला दोगे तो वो क्या होगा? क्रैक हो जाएगा, सेटिंग जमने के बाद वो क्रैक हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एलिमेंट, क्लोरीन माइक्रो एलिमेंट होता है। रॉक सॉल्ट जो है मिनरल, उसमें सोडियम रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में द मटेरियल यूज फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम यूज होता है। सोल्डर मेटल इज एन एलॉय ऑफ सोल्डर, का जो मेटल यूज होता है वो लेड एंड टिन रहता है। कॉपर रिफाइंड कैसे होता है? रोस्टिंग के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सभी क्वेश्चन। एंड द एलिमेंट विच हाइस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, हीलियम होता है। एंड एलिमेंट ऑफ एलिमेंट विद एटोमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 36, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे तो 19 आएगा। सीवीड्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, सीवीड्स क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन है। द रिसोर्स विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर की फूड अनस्पॉइल, क्यों? क्योंकि एट लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर इनएक्टिव, लो टेम्परेचर बैक्टीरिया और मोल्ड्स जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन स्टार्ट बर्निंग इन एयर क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर। स्पीड इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन, क्योंकि हाईली वोलाटाइल होता है, बहुत जल्दी उब जाता है। ताजमहल ग्रेडली अफेक्टेड एसिड रेन के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ताजमहल ग्रेडली अफेक्टेड एसिड रेन। द यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज MOL स्क्वायर L पावर में -2, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड, इस टेस्ट से आप जो है अल्कोहलिक माइनस वेज ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉल्यूटेंट फॉर मोटर का एग्जॉस्ट दैट कॉजेज मेंटल डिजीज हो सकता है, दैट इज लेड, लेड इस के लिए हो सकता है।
द एटमोस्फेरिक गैस दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब फील होता है आर्गन से। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है रफ आयरन है। नॉन स्टिक किचन में कोटेड होता है टेफ्लॉन से। सी वीड्स में रहता है आयोडीन। फाइबर लीस्ट प्रोन टू कैच फायर क्योंकि उसमें कॉटन रहता है। कॉमनली नेम फॉर कॉम्पाउंड हैविंग फॉर्मेट NOH दैट इज कॉस्टिक सोडा। बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। स्लैग इज़ अ नेम ऑफ मॉल्टन एल्यूमिना। एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेनिशेबल एनर्जी सोर्स बायोमास। टार रॉड्स गेट्स डैमेज इफ देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ऑन रोड। टार अगर जो पीच होता है जिसे हम लोग रोड के ऊपर दिया जाता है, अगर पानी जम के वहाँ पे रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ड्रग मारिजुनिया जो है सीडेटिव है। मेटल नोन एज कॉमर्स एज ट्राइलिन उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। केमिकल यूज इन इम्बेलमिंग बायोलॉजिकल मैटर्स होता है फॉर्मल डाइहाइड इन वाटर। सोडियम बाइक्रोमेट कॉमर्शियली नोन है बेकिंग सोडा। कोयला जो है कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डेन बायोमास है। कॉमर्शियल वेस्ट लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। वेस्लिन हम लोग कहाँ से निकालते हैं, पेट्रोलियम से। कलर इम्पार्टेड टू बंसन फ्लेम जो है बाय स्ट्रोंटियम कॉल्ड इज क्रिम्सन रेड मिलता है। अ पोटैटो ट्यूबर हैज़ बीन कट इनटू टू हाफ्स में काट दो। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयरन सॉल्यूशन उसमें डेल दो तो कट सरफेस ऑफ वन ऑफ द हाफ्स व्हाट कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन टू ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या होगा, ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। टीयर गैस यूज बाई पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब उसमें क्लोरीन रहता है। टीयर गैस में क्या रहता है, क्लोरीन। इप्सम सॉल्ट जो है मेकिंग टूथपेस्ट में काम होता है इप्सम सॉल्ट। द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन, रैट पॉइजन का केमिकल नेम क्या है, जिंक फॉस्फाइड। द गैस विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ क्या रहता है, लिक्विफाइड बूटेन एंड आइसोबूटेन। क्विकर सिल्वर क्या है, क्विक सिल्वर क्या है, केमिकली नोन एज मर्करी। एक्सटेंसिवली यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया। व्हिच पार्टिकल मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डायमंड। नेम द पार्टिकल दैट इज मोस्ट इसेंशियल टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग द फिशन ऑफ यूरेनियम, न्यूट्रॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी। फ्यूल दैट इज यूज इन मॉडर्न सबमरीन्स, न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है। द बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेचुरल रबर ऑप्टेंड दैट इज फ्रॉम ट्रीज, आइसोप्रीन। द नेम ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम व्हिच कॉम्स टॉय बॉल्स बनते हैं दैट इज पॉलिस्ट्रीन। व्हिच मेटल डज नॉट अंडरगो कोरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑक्साइड लेयर, होने से भी कोई कोरेशन नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, दैट इज एल्युमिनियम। मोलेसेस जो बाई प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर सोडा इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कीप्ड इन ब्राउन बोटल इन लेबोरेटरी बिकॉज ब्राउन बोटल स्टॉप द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट, लाइट इमिट नहीं होने दे सकते हैं। तो गाइस चलो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करते हैं, जितना करोगे दोस्तों के साथ उतना अच्छा लगेगा हम लोग को। दिस इज द मोटिवेशन फैक्टर गाइस, जितना करो शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो दोस्तों के साथ। तो चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो से, टिल देन गुड बाय।